मोबाइल कैलकुलेटर चलाना कैसे सीखें घर बैठे अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप देखते हैं अपने मोबाइल में ऊपर यहाँ पर लगभग सभी मोबाइल में आपका डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। ये सैमसंग का मोबाइल है, जैसे ही यहाँ पर निशान दे रखे हैं इसको दबाएंगे तो ये आपका इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में चला जाएगा। स्केल को दबाएंगे तो ये एक स्केल खुलेगी जिसमें जिसको यूनिट कन्वर्टर बोलते हैं। इसमें आप एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डाटा, स्पीड ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ को देखते हैं, हमारे पास एक लंबाई इंच में है, उसको हम किस में बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से इंच वैल्यू एंटर करेंगे, 5 इंच बराबर कितना होता है, 12.7 सेंटीमीटर। यदि यहाँ पर कोई मीटर वैल्यू है तो उसको पहले यहाँ से मीटर में सेट कर देंगे, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कितने होते हैं, इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारा है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब और कुछ आगे हम बात करते हैं, तो जैसे हमें 100 का 20% निकालना है, तो 100 गुणा 20 और परसेंट का चिन्ह कितना आ गया, 20। आपको अपने स्कूल के परसेंट निकालने हैं, जैसे 500 का टोटल मार्क्स आपके, उसमें से आपको कितने आए हैं, 425 नंबर आए हैं। 425 भाग 500 बराबर गुणा 100 करने से कितना आ गया, 85% आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे आप मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो माना आपने 20 रुपये का चीनी लिया और चीनी का भाव है कितना, 50 रुपया, तो कितने आने चाहिए, तो 20 भाग 50 कितने आने चाहिए, 0.4 यानी 400 ग्राम, या इसको 1000 से गुणा कर दो तो ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, क्योंकि हमने जो भाव लिया था वो किलो के हिसाब से लिया था। किलो का 50 यानी जो भी कैलकुलेशन आया था, 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 किलोग्राम यानी आपका 400 ग्राम, जैसे कि वेट मशीन में दिखता है। दोबारा देख लो, आपने नारियल खरीदे, 50 रुपये के नारियल खरीदे और नारियल का भाव है 250 रुपये, तो 50 में 250 का भाग देंगे तो कितना आ गया आपका, 200 ग्राम, ठीक है। ओके, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे आप 250 में 250 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 किलो आएगा, क्योंकि 1 किलो का भाव कितना है, 205 हो गया, सॉरी 1 मिनट, 1 किलो आ गया। ओके, तो इसको इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये कोष्टक वगैरह लगाने हैं, ये कब लगाने होते हैं, तो इसमें बोर्ड मास के नियम को जब काम में लेना होता है तब लगाना होता है, वो एडवांस कैलकुलेशन देती है, ठीक है। एडवांस कैलकुलेशन का भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे।